खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र के ग्राम नागभटी में दो खेत पड़ोसी खेत के रास्ते पर खड़े ट्रैक्टर को हटाने की बात पर आमने सामने हो गए। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसमें एक ही परिवार के दो लोग घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मारपीट खेत से शुरू होकर गांव के सड़क तक पहुंची थी। जिला अस्पताल में उपचाररत राजेंद्र रामेश्वर ने बताया कि वो उमरकली निवासी होकर अपने काका ठाकुर काकी पूजा के साथ नागघट्टी स्थित खेत पर बैलगाड़ी से जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे तक जब खेत के समीप पहुंचे तो खेत पड़ोसी गौतम महेश किशोर का ट्रैक्टर रास्ते पर खड़ा था, जिसके हटाने की बात पर ये तीनों बहस करने लगे। विवाद बढ़ने पर महेश ने काका ठाकुर पर दराते से वार कर दिया, जिसमें उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां कट गई। वहीं मुझे भी लाठी डंडों से पीटा, जिससे सर से खून बहने लगा। हम वहां से जब थाने पर रिपोर्ट लिखाने जा रहे थे, इसी फोन लगाकर बुला लिया और उन्होंने हमें रास्ते में रोक लिया। करीब 15 लोगों ने लाठी डंडों से दोबारा पिटाई की, इसका हमारे पास वीडियो भी है। ये लड़ाई रंजिश के चलते हुई है। इससे पहले भी कई बार खेत की मेड को लेकर विवाद हो चुके हैं। खरगोन महेश्वर जल विद्युत परियोजना भले ही खटाई में पड़कर बंद हो गई हो, लेकिन इस योजना के शुरू होने पर जिन गांवों को डूब प्रभावित घोषित किया गया था, उन गांवों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। ये ग्रामीण न तो पूर्व के गांव में जा पा रहे, नहीं पुनर्वास स्थल पर इन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल रही है। नतीजतन नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। पिछले एक माह से लगभग हर मंगलवार को डूब प्रभावित गांवों के ग्रामीण पुनर्वास स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं की मांग लेकर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को सनावद तहसील के ग्राम मर्दाना और बहेगांव के ग्रामीण कलेक्टरेट पहुंचे। यहां पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोश दर्ज कराया। मर्दाना के सुरेश भालसे, भगवान, मुकेश, संतोष, आत्माराम, कमल, रामप्यारी आदि ने बताया कि गांव में करीब 340 परिवार हैं, जिन्हें परियोजना के चलते डूब प्रभावित घोषित किया गया है। इन परिवारों के भू अर्जन अधिनियम के तहत प्रकरण तो बना दिए, लेकिन आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही पुनर्वास किया गया। हमारी मांग है कि हमें प्रस्ताव तैयार कर उचित मुआवजा दिया जाकर बसाहट के लिए भूमि आवंटित की जाए। इधर बहेगांव में भी यही स्थिति। बहेगांव सरपंच पूजा, पन्नालाल वर्मा, अजय मधुकर, द्वार की बाई, लाट की बाई, सुनीता आदि ने बताया कि उन्हें 2010 में पुनर्वास स्थल पर बसाया गया था। बसाहट के बाद से यहां कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई है, न तो बिजली है, न ही पानी, सड़क जैसी सुविधाएं। स्ट्रीट लाइन नहीं होने से रात के समय घर से बाहर निकलना या गांव में आना जाना चुनौती भरा साबित होता है। हमारी मांग है कि पुनर्वास स्थल को पंचायत क्षेत्र में घोषित कर सुविधाएं मुहैया कराई जाए। खरगोन जिले के ग्राम बिटनेरा में 3 अगस्त को एक विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। मृतिका के माता पिता एसपी ऑफिस पहुंचे और मृतिका के पति और देवर पर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बेटी की आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसपी ऑफिस पहुंचे राजू गोपी बंजारा निवासी सुखी सेव मिया जिला भोपाल ने एसपी को की शिकायत में बताया कि वो प्लास्टिक आइटम फेरी लगाकर बेचते हैं। उनकी बेटी लक्ष्मी 4 साल पहले 2 मार्च 2020 को घर से भागकर बिटनेरा आ गई थी और लखन के साथ रहने लगी थी, जबकि लखन हमारा रिश्तेदार है। इसकी जानकारी लगने पर समाजजनों और परिवार की मौजूदगी में बेटी की खुशी देखते हुए समझौता हो गया। शादी के बाद से लक्ष्मी कभी मायके नहीं आए। कुछ माह पूर्व जब हम प्लास्टिक सामने बेचने जिले में आए, तब लक्ष्मी से मिलने गए थे। उसने बताया था कि पति लखन और देवर अर्जुन उसे प्रताड़ित करते हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। इस पर जब बेटी को वापस ले जा रहे थे तो समाजजनों ने समझौता करा दिया था। इसके बाद बेटी इस कदर प्रताड़ित हुई कि उसने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब बेटी का मृत शरीर देखा तो उस पर गंभीर घाव और चोट के निशान भी थे। उन्होंने मांग की है कि लखन और उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई की जाए।